नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सॉल्ट टू टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्लियर सूप। ये सूप बहुत ही हेल्दी होता है और इसमें सिर्फ 44 कैलोरीज होती है एक कप सूप में। हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे एक टेबलस्पून बटर और एक टीस्पून घी। घी डालने से हमारा बटर जलेगा नहीं। इसमें हम डालेंगे 6 से 7 कलियां लहसुन की। इन्हें हमने बारीक काट के डाला है, आप इन्हें घिस के भी डाल सकते हैं। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने घिस के डाला है, बारीक काट के भी डाल सकते हैं। लहसुन और अदरक डालने से सूप का स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर। जब प्याज हल्का गुलाबी हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी बीन्स जिन्हें हमने छोटा छोटा काट लिया है। आधा कटोरी गाजर और आधा कटोरी मटर। अब हम इन्हें 2 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। जब हमारे मटर, गाजर और बीन्स थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इनमें बाकी सब्जियां डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को हमने पतला पतला लच्छे में काट लिया है, पत्ता गोभी को हम घिस कर नहीं डालेंगे। 1/2 कटोरी स्वीट कॉर्न। सब्जियां आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी शिमला मिर्च बारीक काट के। इसे हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है। अब हमने इसमें सारी सब्जियां डालकर इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। हमारी सारी सब्जियां अब सॉफ्ट हो गई हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे 4 कप पानी। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। और अब हम अपने सूप को 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 8 से 10 मिनट अब हो गए हैं और हमारी सब्जियां सब अच्छे से पक गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च। हमने कॉर्न स्टार्च को नॉर्मल पानी में घोल लिया है, इसे हम थोड़ा थोड़ा चलाते हुए डालेंगे। हमारा सूप अब तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नींबू का जूस जिससे थोड़ा टैंगी फ्लेवर आ जाए। अब हम अपने सूप को सर्व कर लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।